अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत से आज अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में अतिथि बनकर के विराजमान माननीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब, शिव सिंह साहब और डाइस के विराजमान सुशीला जी, प्रीति जी सत्तावर साहब और मेरे पति डॉक्टर शक्ति सिंह और मालिक सिंह साहब और इस समाज की जो है सूर्य के भाग जैसी ये बैठी की जो है प्रतिभाएं और सभी अभिभावकों के जो है रिपोर्ट सरदार और माताएं बहने, हमारा इतिहास बहुत गौरवमय है लेकिन विषय है कि अब भविष्य गौरवमय कैसे है। आने वाला समय हमारा इस क्षत्रिय समाज का गौरवमय कैसे है। हम अपने इतिहास पुरुषों पर गर्व करते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व कैसे करे इस पर हमें चिंतन करना है और आने वाले समय में पीढ़ी गर्व करेगी और उसके लिए आज आपके सामने एक साथ साथ उदाहरण दो तीन हस्तियां विराजमान है वो है श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौर, जिन्होंने इतिहास कायम किया है। आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी और गर्व करेगी। तो मैं जो सामने बैठी प्रतिमाएं हैं उनको ये बताना चाहूंगा इतिहास के लिए या गर्व के लिए आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करे उसके लिए शायद समाज में पांच सबसे जरूरी है। पहला है संस्कार, जो क्षत्रिय समाज के अंदर संस्कारों की कमी नहीं है। अगर एक कमी है तो सिर्फ एक ही शिक्षा मंडल में अभी नहीं चलता। और दूसरा है शिक्षा, बात तो जो है जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको भी बताने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। और अभी एस पी साहब और जो है आर एस जितने भी अधिकारी आए और उनको सम्मानित किया गया, ये अपने सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा के माध्यम से हम उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। और तीसरा है संघर्ष, परिश्रम, वो संघर्ष जो है उसी के माध्यम से आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, परिश्रम से पहुँच सकते हैं। और उसके बाद चौथा और जो पांचवा है वो है आपका संगठन और सत्ता। अगर संगठन हमारा नहीं है और हमारी सत्ता हमारे हाथ में नहीं है तो हमारी प्रतिभाएं भी पहले भी से भूखी भी आई जो टॉपर थे वो भी आपके इंटरव्यू में वो रह गए। तो इसलिए संगठन में भी हमारा जो है हिस्सेदारी और हमारा जो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी आवश्यक है। अगर मुझे दो मिनट का टाइम दिया जाए तो एक सत्ता के लिए और संगठन के लिए, क्योंकि आज समाज की जो बैलेंस पर बैठे हैं तो एक संगठन और सत्ता का जो दर्द मेरे दिल में है, एक आम राजपूत के दिल में है, उसके लिए मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। एक उस व्यक्ति का जो मेरे भारत के ऊपर गाय भैंस चढ़ाने वाला और दूध निकालने वाला एक जाति विशेष का जो लड़का, उसको मैं नमन करता हूँ, उसकी सोच को नमन करता हूँ। और अभी मेरे दिल में था कि ये बात मेरे समाज को कहूँ ताकि जो है वो इसको अनुसरण करे। बात में कल्याण लोकेंद्र सिंह कार्यू का जो एमपी में खड़े हुए थे नागौर से दिल्ली, मेरे पास चंद्र का चार्ज था। मैंने सोचा सुबह उसके गाँव जाकर के फोन डाल के आ जाऊँ। मैं और जैसे जैसे गाड़ी निकाली तो लड़का